चलो उठाओ, आज क्या को आराम से उठाना। बाकी फील दिस एग्जॉस्ट नोट, चलो चलो आराम से। देखो बाइक ना इसका टायर सारा खत्म हो जाएगा। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और सारे मजे में होंगे। तो आपका मैंगो भाई भी ठीक है, अच्छे से हैं और मजे में है। ओहो हो, ये बंदे अचानक से आ जाते हैं राइट लेफ्ट। तो आज देखो कहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है। पिछले कुछ टाइम से ना हम डलगेट और डलगेट ही जा रहे हैं। तो आज हमारे दो फ्रेंड्स हमारे साथ ज्वाइन होंगे, एक तो फरहान और दूसरा आमिर शेख जो कि डोडा में रहता है। तो उनके साथ देखेंगे आज कैसी वीडियो बनाएंगे, डल राइड पर जाएंगे, क्या करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, आप लोगों को सब कुछ समझ आएगा, क्या कुछ देखने को आज मिलेगा। हमारा जो मीटिंग पॉइंट है ना वो मैंने पेट्रोल पंप के पास रखा। तो फरहान को भी मैंने बोला पेट्रोल पंप के पास और आमिर को भी मैंने बोला पेट्रोल पंप के पास पहुंचूंगा मैं। सो लेट्स सी कौन कौन आएगा। कश्मीर में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या बताओ आप लोगों को कितनी ठंड बढ़ चुकी है। इसीलिए हमने ग्लव्स भी मतलब ले लिए थे पिछली बार। देखो हाथ मतलब ग्लव। ओहो बाइक वाला क्या कर रहा है? अरे भाई साहब इनको क्या हो गया यहाँ से? भाई ठीक पहचाना ही नहीं। चलो ओ भाई 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 आज क्या हो गया? आज तो हमें राइडर्स देखने को मिल गए यहाँ पे। ड्यूक 250 वाला बंदा हमें बोल रहा है कि ये कितने सीसी की बाइक है, क्योंकि ये लगती एक बड़ी सीसी की बाइक है, क्योंकि हमारी बाइक है ही इतनी प्यारी। तो बाकी इनके पास RC 390 है, ड्यूक 250 है और हस्क्वर्ना 250 है। लगता है मैं भी इनके साथ ज्वाइन हो गया। अभी तो मैं आमिर को और इसको भूल गया। अभी बाइक यहीं से हीट होना स्टार्ट हो गई और बाकी चेक कर लो ट्रैफिक जाम कितना है। तो बाकी गाइस जैसा कि आपको पता है आपके मैंगो बाइक का जो पीछे वाला टायर का जो एयर प्रेशर था ना बहुत ही कम हो गया था। और यहाँ पर देखो कौन बंदा आ चुका है, ज़रा अपना चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाना मुझे अपना। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना, ज़रा साइड में हटना पहले। तो यहाँ पर NS 200 है और अपनी V4 है। तो सारे कमेंट में बताना कि कौन बाप है और कौन बेटा है। तो बाकी इन जो NS वाले बंदे हैं ना इनको अपनी औकात दिखानी है अपनी V4 से। तो चेक कर लो यहाँ पर Z900 और आ चुका है अजान मुकाला वाला। अजान साहब ज़रा इधर दिखाओ अपना ये सुंदर सा चेहरा। तो बाकी ना हुजैफ दुबई से परसों आए थे घर। तो बाकी बाइक चेक कर लो, थोड़ी बहुत इस पर धूल चढ़ी हुई है। हुजैफ क्या एक्सपीरियंस था दुबई का? बहुत जबरदस्त। तो देख सकते हो। तो बाकी हेलमेट चेक कर लो, इस बंदे ने ना बहुत ही मोटा मोटा खर्चा किया है दुबई में। एक इंस्टा 360 लाया, AGV का हेलमेट लाया और भी बहुत सारी एसेसरीज लाई। तो बाकी बाइक को चेक कर लो, इसमें ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। तो ये देखो कितने का है ये, देखो। तो बाकी गाइस मैंगो बाइक का इंस्टा X3 आ गया, नया कैमरा और नई बाइक ले ली मैंने। अभी इसमें एयर प्रेशर बहुत ही कम है, इसमें एयर प्रेशर चेक करते हैं और फिर निकलते हैं अच्छी सी राइड पे। और इस छपरी बंदे को चेक कर लो। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। तो इस बहुत टाइम तक वेट करने के बाद अब जाके आमिर आ चुका है। इस बंदे ने ना बहुत ज़्यादा टाइम हमें इंतज़ार करवाना पड़ा। चलो जी अभी निकल चुकी है मैंगो की सवारी आगे। हेलो हेलो, थोड़ा सा तो बाकी गाइस इस बंदे को चेक कर लो, छपरी बंदे को चेक कर लो, इसके कैमरा को पता नहीं क्या होगा। देखो ये क्या कर रहा है गंदा आदमी। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। ओ भाई इसको मजा आता है सुनने में इस चीज को। बाकी फील दिस एग्जॉस्ट नोट, फील बस इसको फील करना है और कुछ भी नहीं। बाकी गाइस फरहान का ब्रेकअप हो चुका है इसकी बेगम के साथ। आपकी बेगम है? मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो बाकी गाइस आपका मैंगो भाई पहुंच चुका है डलगेट। अब बहुत टाइम लगा हमें यहाँ पहुँचने में। सो बाकी चेक आउट द रिएक्शन, यहाँ से भी बंदे हमें देख रहे हैं।
ये आवाज सुन के सुकून मिलता है। बाकी ये फरान है ना, ये NS 200 पे ना अपनी बाइक को इसके साथ कंपेयर कर रहा है। हद होती है कसम से, कुछ भी बंदे ना कुछ भी कर लेते हैं। 200 cc छपरी बाइक को ना उस बाइक के साथ कंपेयर करता है ये छपरी बंदा। इसको मैं अपनी वीडियोस में भी पोक करता रहता हूँ, बाकी वीडियो देखिए उसको सब कुछ पता चलेगा मैं बोल क्या रहा था। अंकल ने यहाँ पर बबरी बोल उठाया है स्कूटी पे, ये बबरी बोल है पता नहीं। तो बाकी ये वाला रास्ता मेरे लिए नया है, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। और अभी टाइम हुआ है 5:02, अंधेरा भी होने वाला है। चढ़ेगी आराम से हुज़ैफ, आराम से आराम से। नहीं चढ़ेगी, चल नीचे ही रख फिर, नीचे ही रख फिर, बाकी चेक कर लो जीने को आज हम क्या कर रहे हैं। चलो चलो आराम से। देखो बाइक ना इसका टायर सारा खत्म हो जाएगा। यहाँ से चढ़ाना था, थोड़ा बहुत पीछे ले, रुक रुक रुक, चल पीछे चल 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 चल। देखो Z900 के साथ कौन सी नाइंसाफी आज हो रही है। मैं ना अपनी बाइक को चुपचाप यहाँ रख देता हूँ। इसका टायर देखना स्मेल क्या आ रही है, बस हमारा NS वाला बंदा ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। तो अभी ना इन दोनों बाइक्स की हालत टाइट हो सकती है यहाँ से, तो हम मेरा जो प्लान है ना वो फ्लॉप करने का है, मैं नहीं चढ़ाने वाला इससे आगे। तो बस जो भी होगा वो फरहान के साथ होगा, हुज़ैफ की बाइक भी साइड में रख देंगे। ऊपर क्या लोकेशन है, मैं हेलमेट भी निकालूंगा। तेरे को हर कोई बंदा बोलता है फेस दिखा। अच्छा ऐसे दिखाता हूँ, दिखाता हूँ, वेट वेट वेट, दिखाता हूँ दिखाता हूँ। देखो तो अच्छे से स्माइल हैप्पी डेंट वाली। बाकी भाई साहब देखो इन भाई इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। तो बाकी मैंगो की चेक हालत चेक कर लो, अभी ना मैं बात करने की हालत में नहीं हूँ। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ना थोड़ा वो क्यों शीतन इस जगह को बोलते हैं लैला मजनू वाला, उसी ने उसको डायलॉग डोंके से मारा था। इस पहाड़ के पीछे क्या है, पहाड़ों पीछे वाली दुनिया। Let's see guys, देखेंगे मैंगो के साथ क्या है इस पहाड़ के पीछे। तो पहाड़ के पीछे मेरी लैला नहीं है। तो बाकी गाइस देखो हम यहाँ से निकल चुके हैं वापस, तो अभी अजान हो रही है, तो इसीलिए अभी थोड़ा बहुत अभी ना कैमरा ऑफ करते हैं, अजान होने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो बाकी ना इन जगहों पे Z900 को नीचे उतरना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो फरहान बोल रहा है कि मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा, और देखते हैं हुज़ैफ कहाँ से जाता है, मैं भी वहीं से फिर वापस चला जाऊंगा घर को। तो आमिर ना हमसे पता नहीं किधर चला गया था। सो चलो निकलते हैं अभी यहाँ से, क्योंकि लेट हो चुका है, अभी टाइम हुआ है 5:37। बाकी यहाँ पर Z900 गिर चुकी हैं। चलो उठाओ, उठ क्या गो, आराम से उठाना। तो बाकी ना देखो यहाँ पर Z900 थोड़ी बहुत स्लिप हो गई, तो ये बाइक ना बहुत ही भारी है।